दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि अमेरिका कर सकता है इन दवा कंपनियों पर कार्रवाई, भारत से है ये कनेक्शन। जी दोस्तों, अमेरिका में 117 सांसदों ने अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से अपील की है कि वे रासायनिक गर्भ निरोधक दवाइयां भारत से अमेरिका भेजने वाली यूरोप की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सांसदों ने कार्यवाहक FDA आयुक्त नॉर्मन शार्पलेस को लिखे पत्र में कहा है कि एड एक्सेस जैसी यूरोपीय कंपनियां FDA की सुरक्षा अनिवार्यताओं की अवहेलना कर रही है और महिलाओं एवं उनके बच्चों के जीवन को जोखिम में डाल रही है। कांग्रेस के दोनों दलों के सांसदों द्वारा 10 मई को लिखे गए पत्र में शार्पलेस से अपील की गई है कि वह अमेरिका उपभोक्ताओं को रासायनिक गर्भ निरोधक दवा माइफ्रेंक्स का मेल ऑर्डर के जरिए मुहैया करने वाली दो विरोधी कंपनियों एड एक्सेस और रॉबलन के खिलाफ कार्रवाई करे। पत्र में शार्पलेस से अपील की गई है कि वह एड एक्सेस और मेड ऑर्डर के जरिए गर्भ निरोधक दवाएं मुहैया कराने वाली अन्य कंपनियों की अवैध गतिविधियां रोकने के लिए कदम उठाए। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारतीय सेना में बंपर भर्ती, योग्यता सिर्फ 12वीं पास, ऑनलाइन करें आवेदन। जी दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के ऊपर कई तरह की मुसीबतें आती हैं, जैसे आर्थिक तंगी या फिर मानसिक समस्या, खासतौर पर उन लोगों को जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए अब घबराने की बात नहीं है क्योंकि भारतीय सेना ने इस बार करीब 90 लोगों के लिए नौकरियां निकाली हैं, जिससे आप भारतीय सेना के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। आमतौर पर कई लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय नौ या फिर वायु सेना के साथ जुड़ना चाहते हैं मगर सिर्फ कम और एवरेज अंकों के चलते जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब भारतीय सेना से जुड़ने के लिए आपको ज्यादा अंक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आप एवरेज या फिर 70% के साथ भी भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने इस बार तकनीकी प्रवेश योजना टेक्निकल एंट्री स्कीम की नौकरियां निकाली हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बेटे को IPS बनाने के लिए सड़क पर ऑटो चला रही है ये माँ, बोली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। माँ तो माँ है, वो हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी, खुद मेहनत मजदूरी करेगी, रात दिन नहीं देखेगी लेकिन बच्चे का भविष्य सुधार जाएगी। आज ऐसी ही माँ की कहानी हम लेकर आए हैं। कहानी पंजाब की एक महिला की है। महिला का नाम बलजिंदर कौर है। बलजिंदर अपने बेटे के साथ मोहाली के फेज 11 में रहती है। कठिन परिस्थितियों से लड़कर परिवार का पालन पोषण कर रही बलजिंदर कौर एक ऐसी मिसाल है जो कि न केवल अपने बच्चों को बल्कि अपने बुजुर्ग माता पिता की भी देखभाल कर रही हैं। बलजिंदर कौर अकेली महिला हैं जो मोहाली में ऑटो रिक्शा चलाती हैं। वह अपने बेटे को पुलिस अफसर IPS बनाना चाहती हैं। बलजिंदर कौर ने बताया कि उसका 8 वर्ष का एक बेटा है जबकि पति से काफी समय पहले तलाक हो चुका है। बलजिंदर कौर ने बताया कि उसके पिता अपाहिज हैं, पहले भाई ऑटो चलाता था, उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में परिवार को पालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। पहले उसने ऑटो को किराए पर चलाने के लिए दिया था लेकिन किराए की रकम से घर का खर्च निकलना मुश्किल हो गया। वहीं किराए पर ऑटो ले जाने वालों ने ऑटो की हालत भी खराब कर दी। वह उस समय घर में सिलाई कढ़ाई का काम करके भी कुछ कमा रही थी लेकिन इससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उसने खुद ही ऑटो चलाने का फैसला लिया। इसके लिए उसने बाकायदा एक महिला ऑटो चलाने की ट्रेनिंग ली जिसके बाद वह ऑटो लेकर सड़क पर निकली। उसने बताया कि पहले उसे डर लगता था पर अब उसे कोई डर नहीं लगता है। बलजिंदर कौर ने बताया कि वह खुद 5वीं कक्षा पास है लेकिन अपने बेटे को एक अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। उसके बेटे का कहना है कि वह पुलिस अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। बलजिंदर कौर ऑटो रिक्शा चलाने के साथ परिवार को भी पूरा समय देती है। वह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ऑटो रिक्शा चलाती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि तृणमूल कांग्रेस ने विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी, ममता ध्यान बांटने का कर रही हैं प्रयास। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पर समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल की उनकी समकक्ष ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास कर रही हैं। आदित्यनाथ ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कल जो कुछ हुआ हम उसकी निंदा करते हैं।
हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारत के महानतम सपूतों में एक और समाज सुधारक थे। ये तृणमूल ही हैं जिसने उनकी प्रतिमा तोड़ी और अब वह ध्यान बांटने के लिए भाजपा पर दोषारोपण कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि तृणमूल कांग्रेस और बनर्जी इस घटना का इस्तेमाल कर अपने गलत कार्यों से लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तब उन्होंने दावा किया कि राज्य में स्थिति उसी दिशा में बढ़ रही है जहां केंद्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव में हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि उसे मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि दीदी आप मेरी भद्दी से भद्दी चित्र बनाएं, मैं आप पर FIR नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल में आज मोदी दो रैलियों को संबोधित करेंगे। बासिरहाट की रैली में मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि ममता दीदी ने दो दिन पहले हमसे बदला लेने की बात कही थी, कल की हिंसा से उनका कहां साफ हो जाता है, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। मोदी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि दीदी आपकी तानाशाही अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। मोदी ने ममता को अलोकतांत्रिक और विकास के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, ममता दीदी के राज में हिंसा बढ़ी है। आपको बता दें कि अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा के बाद ये मोदी की बंगाल में पहली रैली थी। मंगलवार शाम अमित शाह की रैली में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। मोदी ने इस हिंसा का आरोप ममता पर लगाया। आज गृह मंत्रालय ने भी बंगाल में हुई हिंसा की निंदा की है। ममता दीदी, आप बेटी को जेल में डाल रही हैं, वहीं बेटियां आपको सबक सिखाएंगी, एक तस्वीर के लिए इतना गुस्सा क्यों है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि रायबरेली गुंडों की नहीं, कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा बुधवार को अचानक रायबरेली पहुंची और कार्यकर्ताओं से कुशल क्षेत्र पूछी। कहा कि रायबरेली गुंडों की नहीं है, यहां के लोग अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे बातें मीडिया से वार्ता के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में जिस तरह की अराजकता की गई वह बेहद शर्मनाक है। कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस ऐसे लोगों के खिलाफ जो डर का माहौल बना रहे हैं। उल्लेखनीय कि मंगलवार को रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व मचे बवाल में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसके पूर्व फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे वे कांग्रेस के कार्यालय तिलक भवन पहुंची। वहां उन्होंने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और सभी को एकता बनाए रखने व किसी तरह से ना डरने को कहा। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि यदि कोई भी कार्यकर्ता विपक्षियों से संपर्क में पाया गया तो उसे तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार रहे दिनेश सिंह के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था, लेकिन मतदान के पूर्व ही जमकर बवाल हुआ। जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का प्रयास किया गया और गोलीबारी भी हुई। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर भी हमला किया गया, जिसको लेकर प्रियंका वाड्रा अचानक बुधवार को रायबरेली पहुंची और सबका हालचाल लिया। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर के फॉल्कन स्लेयर्स के नाम से भी जानी जाएगी पाकिस्तान में F-16 को मार गिराने वाली अभिनंदन की स्क्वाड्रन। जी दोस्तों, 14 फरवरी को जैश के आतंकी ने पुलवामा में किया था आतंकी हमला। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में की थी एयर स्ट्राइक। भारत के MiG-21 बायसन जेट ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाली भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब फॉल्कन स्लेयर्स के नाम से भी जाना जाएगा। अभी तक MiG-21 वायसन फाइटर जेट वाली एस स्क्वाड्रन को स्वॉर्ड आर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के MiG-21 वायसन जेट ने पाकिस्तान के F-16 जिसे फॉल्कन के नाम से भी जाना जाता है और जिसे मार गिराया था, इसलिए अब इसे फॉल्कन का स्लेयर्स यानी वध करने वाली स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाएगा। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी का ममता पर प्रहार, कहा सत्ता के नशे में चूर दीदी लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि बंदूक और बम से लैस दीदी के गुंडे विनाश करने को आमादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोलकाता में हुई हिंसा पर कहा कि सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। मोदी ने पश्चिम
बंगाल की रैली में कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की भद्र लोक की संस्कृति को नष्ट किया है। दीदी के गुंडे गोलियां और बम लेकर विनाश करने पर उतर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को लेकर बंगाल में मेरे भाई बहन डटकर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद को वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की रैली में दावा किया कि लोगों ने ममता बनर्जी के निरंकुश शासन को खत्म करने का मन बना लिया है। मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में दीदी भाजपा के उत्थान से डर गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के यह कहने के बाद कि उनकी पार्टी भाजपा से बदला लेगी, तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह के कोलकाता रोड शो पर हमला कर दिया। दीदी सत्ता तो सेवा का माध्यम होती है, आप सत्ता और जनता को अपना गुलाम समझने की भूल कर रही हो। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब क्या भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।